नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। गरीबी की आग में तपकर जब सोना निकलता है तो उसकी चमक समाज में किस कदर बिखरती है, इसकी वानगी हमको अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर ऐसे परिवार जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं होगा, इन परिवारों और उनके बच्चों को अगर किसी की थोड़ी मदद मिल जाए तो ये अपनी जी तोड़ मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि सभी देखकर दंग रह जाते हैं। अक्सर कहा भी जाता है कि किसी का दुख हम गहराई से तभी महसूस कर पाते हैं जब हम खुद उनके दर्द में शामिल हो जाएं। यह बात सही भी है, क्योंकि किसी के दुख दर्द में सहानुभूति रखना एक अलग बात है और किसी के दर्द को अपना समझकर महसूस करना ये एक अलग बात है। करनाल के कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप से जुड़े लोग गरीब और बेसहारा महिलाओं और बच्चों के दर्द को बहुत गहराई से समझते हैं, तभी तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आ खड़े हुए हैं। ग्रुप के माध्यम से ये लोग बेसहारा महिलाओं और बच्चों की मदद करने के बेहद सराहनीय काम में जुटे हुए हैं। इस ग्रुप के लोग गरीब और दुखियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन नहीं है और वह भी कई कई दिनों से पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। इसकी मदद के लिए करनाल का कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप किसी वरदान से कम नहीं। इस ग्रुप के सदस्य ना केवल गरीबों तक राशन पहुंचा रही हैं, बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चारे और दाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 100 से अधिक सदस्यों का यह ग्रुप सुबह से ही सेवा में जुट जाता है। कुछ सदस्य पशु पक्षियों के लिए चारे और दाने का प्रबंध करते हैं तो कुछ राशन वितरण की किटें तैयार करते हैं, जिन्हें बाद में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने इस ग्रुप द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की और उनके सदस्यों से बातचीत की। आइए अब आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि यह ग्रुप कैसे काम कर रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय हम हैं मेरठ रोड पर स्थित सूरज नगर पे, और मैं आपको यहां पर एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लोगों तक राशन वितरण नहीं हो पा रहा, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भूख के कारण तड़प रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संस्था जरूरतमंदों को तो राशन उपलब्ध करवाती ही करवाती है, साथ ही साथ जो कि बेजुबान पशु और पक्षी है उनके लिए चारे और दाने का प्रबंध भी करती है। इसके बारे में मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि यह जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से यह जो संस्था है तब से जरूरतमंदों और को राशन वितरण करने में लगी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि यह सबसे पहले घर घर में जाकर वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं किस घर को राशन की जरूरत है। जिस घर में राशन की जरूरत होती है वहां सबसे पहले इनके द्वारा एक टोकन उपलब्ध करवाया जाता है और एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए आग्रह किया जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में वो पर्ची होगी उसी को राशन दिया जाएगा। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने राशन वितरण के साथ साथ सरकार द्वारा जारी किए गए जो लॉकडाउन के नियम हैं उनकी भी पालना प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। मसलन राशन लेते समय यदि किसी के मुंह पर मास्क नहीं है तो उसको राशन नहीं मिलेगा, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा तो उसको राशन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये एक संस्था का काम है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये करनाल में दर्जनों सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों में लगी हैं, लेकिन इनके कामों को देखकर आज हम भी इनके पास पहुंचने के लिए मजबूर होके हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये देखिए किस तरह से राशन की किटों पर गाड़ियों से बाहर निकाल कर रखा जा रहा है, और देखिए अब ये किस तरह से इनको बांटने से पहले ये खुद भी अपने आप को प्रॉपर ग्लव्स डालकर प्रॉपर मास्क डालकर उसके बाद बांटने की तैयारी की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी कहूंगा, वो दिखाएंगे लोगों की किस तरह से कतार लगी हुई है और वॉलंटियर किस तरह से लोगों हाँ जी ये जो अपने आप ये देखिए अपनी अपनी मर्जी से सेवा भाव के लिए आए हैं। देखिए किस तरह से ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवाने में लगे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक सज्जन, ये देखिए मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर सबसे पहले आपका नाम? मनोज राणा। राणा जी एक चीज बताइए, आप कब से इसमें जुटे हुए हैं? ये हमने 25 तारीख को एक संस्था का गठन किया था
और हमने पूरी जो टीम है हमारी 27 तारीख को हमने बांटना शुरू कर दिया था। जब से लॉकडाउन चला तब से हम ये राशन इस तरह का बांट रहे हैं और गांव को जो जीव जंतुओं को चारा है वो 10 तारीख से खिला रहे हैं। हाँ तो सर, ये अब तक आप कितने घरों तक राशन पहुंचा चुके हैं? हम लगभग 3850 घरों में अब तक राशन दे चुके हैं आज तक। सर, हमने एक चीज और देखी कि आप सबसे पहले राशन देने से पहले हर घर को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस घर में राशन की जरूरत है भी उस घर को एक पर्ची उपलब्ध करवाई जाती है, पर्ची जिसके पास पर्ची होगी उसी को राशन दिया जाएगा। सर, हमने ये भी सुना था कि कुछ लोग काला बाजारी या जमाखोरी वाले सिस्टम पे उतर आए थे, इसके लिए आपने अच्छा प्रबंध किया, इसके बारे में आपका कहना चाहिए? ऐसा है, हमारी टीम है, हमारी एक संघर्ष सेवा ग्रुप की टीम है, जो हम जब किसी भी कॉलोनी में जाते हैं तो हम 2-3 टीम बनाते हैं और पर्चियां होती है हमारी, एक आदमी हमारा पर्ची बना के उस पे साइन कर देता है, वो पर्ची हम फिर आपस में 3 टीम बांट लेते हैं। उसके बाद हम हर घर में जाके उसको पूछते हैं राशन है, अगर उसके पास राशन नहीं है तो वो पर्ची हमारी टीम दे देती है, और अगर राशन है तो हम पूछते हैं हर घर में जाके भाई राशन चाहिए, वो कहते हैं हाँ जी है तो ठीक है, नहीं है तो उसे पर्ची दे देते हैं और वो फिर हम बाहर सारे एक जगह वो करके उसको हम जैसे आपके सामने लाइन लगी हुई है डिस्टेंस करके हम उनको राशन देते हैं। सर, आज कितने लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है? आज तकरीबन 105 के करीब लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। तो सर, ये कब तक चलेगी आपकी ये मुहिम? जब तक लॉकडाउन रहेगा। सर, ये थे हमारे साथ मनोज राणा जी, इन्होंने ये बताया कि अभी तक 3850 लोगों के 3850 राशन किटे वितरित कर चुके हैं। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, विनय सर, आप अपनी संस्था के बारे में क्या कहना? हम पहले जैसे आज हम सूरजनगर में आए हैं, थोड़ा पीछे सूरजनगर में आए हैं, तो वहाँ पहले हम घर में जाके चेक करते हैं कि आपके पास राशन है या नहीं, अगर जो कहते हैं मेरे पास राशन नहीं है, फिर हम उसकी किचन में जाते हैं और उसका पूरा मुआयना करके हमें लगती है कि अगर जो उसको ज़रूरत है तो उसको हम राशन की पर्ची देते हैं। उसके बाद सारे फिर जब सभी टोकन बन जाते हैं जितने हम किट लेके आए हैं, उस एरिए को आइडेंटिफाई कर लिया कि आज हमने इस पर्टिकुलर इस एरिया में सामान दे दिया है और उस पर कोई ना कोई निशानी लगा दी कि कल हमने यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि बहुत बड़ी बस्ती है, ऐसे नहीं ध्यान रहता है कि कौन सी गली रह गई है, कोई रहनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम सारे फिर गाड़ियों से अपना सामान उतार के फिर उनको लाइन में लगा के जैसे लगे हुए हैं सभी, एक एक करके उनको पर्ची वितरित। कौन कौन सा एरिया कवर कर चुके हैं आप? हम यहाँ पे इसका जो वार्ड नंबर चार का हम दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर, पृथ्वी विहार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एमसी कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, अब ये सूरजनगर कंप्लीट कर रहे हैं, और उससे पहले हमने 33 सेक्टर की जो झुग्गियाँ हैं हम उसमें 2 बार राशन वितरित कर चुके हैं, मतलब 15-15 दिन का राशन 2 बार वितरित कर चुके हैं। सर, ये सेवा भाव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? बस ऐसे ही बैठे थे कि मन में हुआ कि खाली भी बैठे हैं और कुछ ना कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से राशन इकट्ठा करके हमने ग्रुप बनाया, एक 2 जने जुड़े, 3 जुड़े, 4 हो गए, फिर जुड़ते जुड़ते हमारा एक कारवां 120-125 लोगों तक पहुंच गया, जो लोग इसमें दान राशि वगैरह दे रहे हैं, तो सभी हम एकत्रित होकर हमारे उसमें 20-25 लोगों की टीम ये काम करती है, 10 लोगों की टीम हमारी सुबह राशन पैक करती है, हम खुद ही पैक करते हैं, मतलब कोई लेबर नहीं लगाई हुई, हमने खुद ही पैक करते हैं सभी। सर देखिए, विनय जी ने कहा कि कारवां चलता गया, काफिला बनता गया, 2 लोगों के सहयोग से शुरू हुई है संस्था, आज 125 लोगों की संस्था बन चुकी है। दूसरा इनका कहना है कि इन्होंने अपनी टीमों को बांट रखा है, कुछ सुबह पशु पक्षियों के लिए चारे का प्रबंध करती हैं, तो कुछ ये सामान को पैक करती हैं, तो कुछ बांटने का काम करती हैं। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, सर आपका शुभ नाम? सीए रोहित गर्ग। रोहित सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, हमारी संस्था का एक ही मोटिव है कि करनाल के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा उठ तो सकता है पर भूखा सोएगा नहीं। पहले हम सिर्फ लोगों के लिए राशन का इंतजाम कर रहे थे, फिर एक दिन हम जैसे ही राशन बांट कर जा रहे थे तो हमने देखा कि कई गौ माता जो है हमारी वो भूख के मारे या वो थी, तो हमने नियम बना लिया, हम रोज़ सुबह नित नेम हम सुबह 8 बजे एक ट्रैक्टर ट्राली पूरे चारे की लेते हैं, वो हर एरिया में जहाँ जहाँ पर भी हमें लगता है गाय की जरूरत है, मेनली जैसे नई अनाज मंडी है वहाँ पर बहुत सारी गौएँ हैं, हम उनको देते हैं, और जितनी भी कॉलोनियों में जो हमें डीसी साहब ने लोड किया, डीसी साहब ने हमें 2 वार्ड इनिशियली लोड किए थे, वार्ड नंबर 4 और 15, फिर धीरे धीरे हमें 16 नंबर वार्ड पे भी हमने दिया, कल हमने मित्तू सैनी जी के वार्ड में भी दिया, काला एमसी जी के भी वार्ड में दिया, तो जहाँ से भी जिन भी लोगों का हमें फोन आ रहा है जो जरूरतमंद है हम उनको राशन मुहैया करा रहे हैं। देखिए सर, इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा इनको पहले 2 वार्ड दिए गए थे लेकिन इनका दायरा बढ़ा दिया गया, इनके सेवा भाव को देखते हुए
और इनकी भरपूर कोशिश है कि प्रत्येक जन जिसको कि राशन की जरूरत है वह भूखा ना सोए, क्योंकि हिंदुस्तान की ये संस्कृति रही है कि परमात्मा सुबह भूखा उठाता तो जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है। इसी संस्कृति के आधार पर इस सेवा में जुड़े हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सर, आप वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप का। ये संस्था मेरे साथ में तभी से जुड़ी हुई है जब से लॉकडाउन हुआ है। पहले हमने दुर्गा कॉलोनी उत्तम नगर डोर टू डोर जाके कवर किया इन कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप के नाम से, ग्रुप के साथ में जाके। अब हम यहाँ पे पृथ्वी विहार भी हमने कवर कर लिया, कृष्णा कॉलोनी भी हमने कवर कर ली, सूरजनगर और भट्टा कॉलोनी की अब बारी है। कल भी हम बांट के गए थे। सर, ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि। इन्होंने कहा कि ये कोविड 19 संघर्ष ग्रुप के द्वारा की जा रही सेवा के कार्य से उनका एहसान मंद है, उनका एहसान मानते हैं। जो वो कार्य कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है, कुछ लोगों तक पहुंच चुका है। आगे एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप संघर्ष के इस समिति के सदस्य हैं। सर, मेरा नाम मोहन लोधी है, मैं कोविड 19 संघर्ष सेवा ग्रुप का एक सदस्य हूं और मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इस संस्था के साथ जुड़कर सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ हम तत्पर दिन रात सेवा में जुड़े हुए हैं। डीसी साहब के ऑर्डर से हमें वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 16 दिया गया था, लेकिन अभी जब से जहां से भी करनाल से फोन आता है हमारे पास, हम वहां पर भी राशन मुहैया करा रहे हैं। सर, इनका ये कहना है कि जो प्रशासन है इनको निर्धारित समय दिया गया है, निर्धारित स्थान दिया गया है, उन तक वो पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर इनको फोन करता है उन तक भी पहुंचाते हैं। एक जिन्हें अब राशन मिल चुके हैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, अब आपको राशन मिल गया। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जी, इन्होंने अच्छा कहा, हमारे घर में समाधान कुछ साधन भी नहीं था और आदमी भी घर बैठे है। कितने दिनों से राशन नहीं था आपके पास? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन, उससे पहले कहाँ से आ रहा था? बस कुछ वैसे घर में थोड़ा बहुत जो था उससे ही। लेकिन इनका कहना है कि ये भी एहसान मानते हैं इस संस्था का, इस 3-4 दिन से इनके घर पर राशन नहीं था लेकिन आज मिल गया है, ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं। एक और सज्जन हमारे साथ हैं। सर, आपको मिल गया राशन? हाँ जी, मिल गया। आप इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही, ठीक है जी, मध्य सरकार बहुत अच्छी सरकार है जी। सर, इनका कहना है कि इनका भी अच्छा काम किया है, सराहनीय प्रयास किया है, इनसे पूछते हैं सर आप क्या कहेंगे? सर, ये जो राशन बांट रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह के प्रयास होते रहेंगे। सर, देखिए इनका कहना है कि जो प्रयास ये किए सराहनीय है, इनके ये इनका एहसान मानते हैं कि इन्होंने इन तक राशन पहुंचाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से हर सज्जन के घर जिसको राशन की जरूरत थी उसके आगे थैलियाँ रख दी गई हैं राशन की। अब जानने का प्रयास करेंगे किसी और सज्जन से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से कतार लगी हुई है और ये सभी के आगे राशन रख दिया गया है। हाँ जी, आपको राशन मिल गया जी? हाँ जी, मिल गया। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोग जो आपको राशन देने के लिए आए? बहुत बहुत धन्यवाद जी, इनका जब राशन दिया। तो कितने दिन से आपको राशन पहले था या नहीं था? राशन अब पहले तो था पर खत्म हो चुका 10 दिन से। तो फिर 10 दिन तक आपने कैसे गुजारा किया? थोड़े बहुत मदद करी, रिश्तेदार थे, थोड़ी बहुत मदद करके गए हैं। इनका ये कहना है कि 10 दिन से राशन नहीं था, कुछ लोगों ने आकर इनकी मदद करी लेकिन अब भी ये कोविड 19 संघर्ष सेवा संस्था का एहसान मानते हैं कि इनके घर में राशन नहीं था 10 दिन तक। 10 दिन के बाद इनको राशन उपलब्ध हुआ, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, आज आपको राशन मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? सही लग गया। हाँ जी माता जी, सही लग गया। अच्छा, इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो घर में राशन आ चुका है। एक हाँ जी, आप क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है जी, आज कितने दिनों के बाद राशन मिला? पहली बार मिला। कोई सरकार से मदद मिली? नहीं जी, सरकार ने भी तो कहा था कि राशन पहुंचाएंगे। कोई डिपो से राशन मिलता हो? कोई राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड बना हुआ है। तो डिपो से नहीं मिला? नहीं जी। लेकिन इनका भी ये कहना है कि डिपो से राशन नहीं मिला लेकिन इस संस्था के लोगों ने आकर इनकी मदद की है, इनकी आवाज को सुना है, इनकी आवाज को लिया है। और अगले एक और सज्जन है हमारे साथ। सर, आपको राशन मिला, आप इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है सर, हमारे पास तो राशन है नहीं, अभी एक महीने के बाद राशन मिल रहा है। तो आप भी लॉकडाउन के चलते काम पे नहीं जा रहे होंगे? नहीं। सर, कितने दिन, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 2 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, मियाँ बीवी, और ये शुगर मिल में काम कर रहे थे तो ठेकेदार पैसा भी नहीं दे रहा है, खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है सर। कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये तो लॉकडाउन के पहले से भी चल रहा है। तो गुजारा कैसे चल रहा था? मैं उस टाइम में खर्चा दे रहा था ठेकेदार, उसके बाद में बंद कर दिया। देखिए, ये शुगर मिल में लगे हुए, इनका कहना है कि इनके घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, पहले ठेकेदार ने पैसा दिया था लेकिन अब देना बंद कर दिया, लेकिन जो संस्था ने इनके लिए किया है ये उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं मनोज जी से एक और चीज पूछना चाहूंगा इस बारे में। मनोज सर, मनोज जी, आप एक चीज बताइए जी कि इस राशन किट में कितना का सामान है? इसमें 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, चीनी, तेल,
सारे मसाले हैं, सब्जियां हैं और तकरीबन ये 10 से 12 से 15 दिन का राशन है और टोटल घर का सामान है। डिटोल सोप भी है, चाय की पत्ती भी है, सब कुछ है इसमें। ए टू जेड जो घर में यूज होता है वो ए टू जेड सामान इसमें है। सर देखिए, इनका ये कहना है कि इन्होंने हर जरूरत का सामान इस किट के अंदर रखा हुआ है, साबुन से लेके तेल तक, आटा से लेके चावल तक, चावल से लेके दाल तक। तो इन ये लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। और ये देखिए, मैं आप सामने दिखाना चाहूंगा कोविड 19 की पूरी टीम भी। हाँ ले लो, आप बैक कर लो। ये देखिए, अब दिखा सकते हैं आपको किस तरह से अब लोग अपने अपने राशन को लेकर अपने घरों की ओर चल दिए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ये सोशल डिस्टेंस मनाए हुए हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। इनका ये भी कहना है, इसका देखिए, ये तरीके से भेजने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की नियम की अवहेलना ना हो, किसी भी तरह के लॉकडाउन की उल्लंघना ना हो। ये है हमारे साथ, ये देखिए। हाँ जी विनय सर, आज आपकी काम हो गया आज का संपन्न, अब कल का क्या प्रोग्राम? कल को फिर यही डेली का हमारा सुबह रूटीन है। जैसे अब जो भी हमारे पास कॉल्स आई हुई हैं उनको सुबह सुबह हम उनको फारिग करते हैं। मान लो कोई करण विहार से आई है, कोई मॉडल टाउन से आई है, कोई हकीकत नगर से आई है, कोई सदर से आई है, सुबह तो हम सारी कॉल्स, किसी को राशन की जरूरत है कॉल्स पे जाते हैं। शाम को फिर हम एक एक डोर टू डोर करते हैं। सर कोई हेल्प है? सुबह हम आपने? सुबह एक हम गवों को चारा खिलाते हैं। सुबह सुबह अगर किसी को आपसे राशन चाहिए तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे नंबर्स हैं, जैसे हमने फेसबुक पे अपने नंबर डाले हुए हैं कि उसके माध्यम से राशन के लिए बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है जैसे 9466220989, उससे संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी उसका वो पॉसिबल होगा उसको राशन। देखिए, इन्होंने यहाँ तक कि अपना नंबर भी हमें बता दिया, फेसबुक पर भी नंबर है, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इनके नंबर पर संपर्क करके इनसे राशन ले सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विनोद प्रधान, प्रीति बिहार से। जब से लॉकडाउन हुआ है, कोविड 19 संघर्ष ग्रुप और हमारे वार्ड के पार्षद भाई भूपेंद्र नौतना जी, लगातार इनका एक ही प्रयास है भाई, कोई भी आदमी भूखा ना रहे। ये लगातार घर घर जाकर पर्ची देते हैं, टोकन दे के हर गरीब आदमी की मदद करने का पूरा प्रयास है। कोई भी पिछले लॉकडाउन के अंदर कोविड 19 संघर्ष ग्रुप और हमारे वार्ड के पार्षद का एक ही प्रयास, कोई भी आदमी भूखा ना रहे, पिछले दिन से ही लगातार। देखिए, इनका भी ये कहना है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, इसीलिए कोविड 19 की जो ग्रुप है वो जरूरतमंदों को राशन तो वितरित कर ही रहा है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि वो बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने और चारे की व्यवस्था भी कर रहा है। मैं तरुण मदान, कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।